जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं, हम सबकी एक लक्ष्मण रेखा होती है, कुछ हदें होती हैं जिसे हमें कभी पार नहीं करते। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए कोई हदें नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। और उसकी एक आदर्श मिसाल है ये महोदय, संबित पात्रा। जी हां, कल इन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया, और वो बयान दिया तो दिया, न्यूज चैनल्स ने उनके बयानों को अच्छे से उछाला, उसे राष्ट्रवादी बनाम पाकिस्तान बना डाला उस पूरे मुद्दे को, जबकि वो मुद्दा, वो बयान संबित पात्रा का निहायत ही शर्मनाक था। वो बयान क्या था मैं आपको बताता हूं। दरअसल ट्वीट था, एक 3 साल का बच्चा अपने दादाजी की छाती पर बैठा हुआ था, मगर उसका दादाजी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो 3 साल का बच्चा जो है अपने दादाजी की छाती पर बैठा हुआ था। संबित पात्रा ने इस तस्वीर को उठाकर एक ट्वीट किया, पुलिट्जर लवर्स, यानी कि कहीं ना कहीं संबित पात्रा ये ताना दे रहे थे, कहां गए पुलिट्जर प्रेमी। ऐसा वो क्यों कह रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के रहने वाले 3 फोटोग्राफर्स को पुलिट्जर ने सम्मानित किया था। संबित पात्रा ने आओ देखा ना ताओ, ना मौका देखा, ना गरिमा देखी, ना उस बच्चे की संवेदनशीलता को देखा, ना उसकी प्राइवेसी देखी, और संबित पात्रा ने वो ट्वीट उठाकर ताना मार दिया अपने राजनीतिक विरोधियों पर। और न सिर्फ ताना मारा, बल्कि जिन लोगों ने उस पर सवाल उठाया कि संबित पात्रा आप इतना संवेदनहीन बयान कैसे दे सकते हैं, एक बच्चा जो अपने दादा की छाती पर बैठा हुआ है, मृत दादा की छाती पर बैठा हुआ है, उस पर आप एक उसका आप राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, संबित पात्रा ने उस पूरे मुद्दे को बीजेपी वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, फिल्म एक्ट्रेस दिया मिर्जा और संगीतकार विशाल डडलानी, जब इन्होंने इस मुद्दे पर संबित पात्रा पर हमला किया या कहा कि संबित पात्रा इस ट्वीट को डिलीट कर दीजिए, शर्म कीजिए थोड़ा सा, तो संबित पात्रा ने टीवी चैनल्स में जा जाकर इन दोनों को पाकिस्तानी एजेंट तक बता डाला कि ये लोग कभी पाकिस्तानी आतंकवाद पर कोई बयान नहीं देंगे, कोई प्लैकार्ड नहीं देंगे। संबित पात्रा, आज कुछ मुद्दे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया उन मुद्दों से ना भटकें। आप जानते हैं, अगर वो 3 साल का बच्चा आपसे पूछ सकता तो क्या सवाल पूछता, क्योंकि कश्मीरियों को नहीं पूरे देश को यह भरोसा जतलाया गया था कि इन 2 कदमों की वजह से, पहला नोटबंदी, दूसरा धारा 370 को हटाया जाना, इन 2 कदमों से कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज वो 3 साल का बच्चा पूछ रहा है आतंकवाद कहां खत्म हुआ, क्योंकि अगर आतंकवाद खत्म हुआ होता तो मेरे दादाजी इस तरह से जमीन पर पड़े ना होते, खून से लथपथ, जिनकी तस्वीर को तुमने संबित पात्रा इस्तेमाल किया अपनी ओछी राजनीति के लिए। शर्म तुमको मगर आती नहीं संबित पात्रा, तुम भूल चुके होगे मगर देश की जनता नहीं भूली। और मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नोटबंदी हो या धारा 370, इसको लेकर हमारे बड़े नेताओं ने क्या कहा था। सबसे पहले आर्टिकल 370 को लेकर वेंकैया नायडू की एक बुक रिलीज में क्या कहा था गृहमंत्री अमित शाह ने, आप खुद सुनिए। होम मिनिस्टर, मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। सुना आपने, साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज ये सवाल तुम्हारे सामने संबित पात्रा, उस मुद्दे का इतना घटिया इस्तेमाल करने के बजाय आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आतंकवाद कहां है, कहां गया आतंकवाद। उस दादाजी की लाश पर बैठे उस बच्चे के इस सवाल का जवाब दे पाओगे तुम संबित पात्रा? और फिर नोटबंदी, जी हां, जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने कहा था, क्या कहा था याद दिलाऊं आपको, फिर से सुनिए। और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार खरीद फरोख्त में भी किया है।
चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज वो 3 साल का बच्चा समित पात्रा तुमसे फिर पूछ रहा है कि नोटबंदी का वादा था कि नोटबंदी के बाद नक्सलवाद आतंकवाद सब खत्म हो जाएगा। बताओ ना क्या हुआ? उसके दादा की मौत ना होती अगर आपका वो वादा सच्चा होता। इसलिए संबित पात्रा मैं आपसे कह रहा हूं, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दा आपके सामने ये है। और जिस मुद्दे के लिए मीडिया को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था संबित पात्रा को, मीडिया उसी मुद्दे को उछाल रहा है, उसी को एक डिबेट कर रहा है उस पर, और उसे राष्ट्रवाद बनाम पाकिस्तान बना डाला। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में अचूक ब्रह्मास्त्र है, जब भी उसकी आलोचना होती है तो पाकिस्तान चले जाओ, जब भी उसकी आलोचना होती है तो तुम पाकिस्तान परस्त हो, तो फिर ऐसे में इनसे डिबेट कौन जीत सकता है? देखिए जी न्यूज ने कल क्या डिबेट किया है, जो संबित पात्रा प्रसारित कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, या टाइम्स नाउ ने किस तरह से डिबेट किया आपकी स्क्रीन पर है जो इस वक्त। तो जब इसके बाद जब इस तरह की डिबेट्स होने लगेंगे तो जाहिर सी बात है इनसे कौन भिड़ेगा, कौन जो है अपने लिए मुश्किल मोलेगा, अपने आप को पाकिस्तानी बुलवाएगा। और रही बात इन न्यूज चैनल्स की, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि जी न्यूज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, गालवान घाटी पर विजय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। गालवान घाटी पर विजय, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे और यह चैनल विजय की बात कर रहा है। अगर विजय हुई होती तो सबसे पहली बात अपने स्क्रीन पर देखिए, रविशंकर प्रसाद जी चाइना का नाम लेने से नहीं कतराते। आप देख सकते हैं इस बयान में रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए हमने मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। हमें यह नहीं बता रहे माननीय रविशंकर प्रसाद चाइनीज ऐप्स, चीन का नाम तक लेने से आप कतरा रहे हैं। गालवान घाटी में अगर हमारी जीत हुई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के सामने आते, मगर उसके बाद जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया उसमें आपने चीन का जिक्र तक नहीं किया। जी हां, इसी संबोधन की बात कर रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त। उल्टा इस संबोधन का एकमात्र मकसद था बिहार के चुनाव, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस भाषण में छठी मैया का जिक्र किया, गरीबों को 5 kg चावल या गेहूं देने का वादा किया, कब तक? नवंबर तक, और उसमें भी उन्होंने बिहार का जिक्र कर दिया। तो आप आए तो देश के सामने, मगर आपके जहन में कहीं ना कहीं किस बात का जिक्र था? बिहार के चुनाव। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो लोग अपने प्रतिद्वंदियों को देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं, खुद को राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाते हैं, उनका राष्ट्रवाद या उनका देश प्रेम इतना सुविधावादी क्यों है? बताइए ना संबित पात्रा, आप बात कर रहे हैं इस बात की कि आप उस 3 साल के बच्चे के दर्द की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और घटना की याद दिलाता हूं। कठुआ में एक 8 साल की मासूम बच्ची का रेप होता है, रेप, और उसके बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली जाती है, और उन रैली में जानते कौन थे? ये दो चेहरे जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, इनका परिचय करा दूं अगर आप भूल गए हों। एक हैं फॉरेस्ट मिनिस्टर लाल सिंह चौधरी और दूसरे हैं उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश। जी हां, उस वक्त बेशक ये आरोपी रहे होंगे, मगर बाद में अदालत ने एक को बरी किया, बाकी सबको दोषी मान लिया। लाल सिंह चौधरी और चंद्र प्रकाश। हमारे समाज में एक मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कार में फंसा हुआ है तो हम उस पर संभल कर बयान देते हैं। संबित पात्रा, तुम जो उस 3 साल के बच्चे की बात कर रहे हो ना, क्या तुम उस 8 साल की मासूम को भूल गए जिसके बलात्कारियों के पक्ष में आपकी पार्टी के 2 मंत्रियों ने, कोई छुटभैया नेताओं ने नहीं, 2 मंत्रियों ने रैली निकाली थी? इसलिए संबित पात्रा, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता जब आप इस तरह की बातें करते हैं। और चूंकि आजकल चाइना के साथ तनाव चल रहा है, तो अब एक नया शिगुफा इन्होंने निकाल लिया है। संबित पात्रा ने एक डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को चाइनीज एजेंट तक बता दिया,
और राजदीप सरदेसाई का क्या गुनाह था? राजदीप सरदेसाई का यह गुनाह था, और संबित पात्रा कह रहे थे कि अगर तुमने पवन खेरा की आवाज को बंद नहीं किया, क्योंकि डिबेट के अंदर पवन खेरा उनके छक्के छुड़ा रहे थे, तो संबित पात्रा ने कहा कि अगर तुमने उनकी आवाज को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें राजदीप चाइनीज एजेंट बता दूंगा। बकौल संबित पात्रा। तो जब इनके पास कोई तर्क नहीं होते तो ये लोग राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। और आप जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है, आप जो इस देश की जनता हैं, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है राष्ट्रवाद का ये धतूरा पिला पिला के, और आप मूर्ख बन रहे हैं। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं संबित पात्रा। कल्पना कीजिए कि 2009 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार थी। कल्पना कीजिए उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चाइनीज लीडरशिप से 18 बार मुलाकात की होती, और अगर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनने से पहले यानी कि 90 के दशक से पहले चाइना की यात्रा पर गए होते 4-4 बार, संबित पात्रा मनमोहन सिंह को क्या बताते? बताइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संबित पात्रा मनमोहन सिंह को चाइनीज एजेंट बताते। और क्या आपको यह बतलाने की जरूरत है कि साल 2014 से साल 2019 के बीच किस प्रधानमंत्री ने चाइनीज लीडरशिप से 18 बार मुलाकात की थी? संबित पात्रा, जब आप लोगों की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कृपया इस तरह से राष्ट्रवाद के मुद्दे का, और खासकर जब बात बच्चों की हो, उस 3 साल के मासूम के मुद्दे को इस तरह से हल्के में ना लें। मैं नहीं जानता हूं संबित पात्रा, आपका परिवार, आपके परिवार में आपके बच्चे हैं नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको एक अरसे से जानता हूं, जहां तक मुझे पता है नहीं है। मगर बच्चों का दर्द समझने के लिए जरूरी नहीं कि आपके अपने बच्चे हों, यह बात याद रखिएगा। दरअसल संबित पात्रा की दिक्कत क्या है, और देखिए बात संबित पात्रा की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने डिबेट्स के स्तर को जिस कदर गिराया है वो अप्रत्याशित है। क्योंकि होता क्या है, न्यूज चैनल्स इनसे सवाल तो पूछते नहीं है, और फिर उसके बाद अनाप शनाप बातें कही जाती हैं। इसी मंच पर मैंने आपके सामने कार्यक्रम किया था संबित पात्रा के ऊपर, जो सो आपके स्क्रीन पर है, पर कतरे गए संबित पात्रा के। इसी प्रोग्राम से मैं आपको एक अंश दिखाना चाहता हूं कि संबित पात्रा किस तरह के डिबेट्स करते हैं, देखिए। असली हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर वही बनेगा। आप लोग रोते रह जाएंगे, मंदिर तो वही बनेगा। बैठ जा मौलाना, बैठ बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना। देखिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आचार्य जी और मौलाना जी दोनों जाके नमाज पढ़े, आपसे आरती करवाएंगे मौलाना। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब रह गया नमाज पढ़ना, मैं वही करने जाना पड़ेगा। अब तो मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, बंद कीजिए मुल्ला जी, मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो, के नाम पर राम के मुल्ला जी चिल्लाना बंद करो। अरे भैया जिन्ना लोग मत बोलो यार, क्या बात है, बैठिए जिन्ना, बैठिए मिस्टर रोहिंग्या, बैठ जाइए। अरे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बैठ जाइए। ये चाइना के मैं भारत का, ये फर्क है, खुदकता पिड्डी है। नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ पिड्डी, नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ। ठेला सिकंजी और कोका कोला वाला गमछा डाल के ई लाइलो कोका कोला ले लो। दिक्कत क्या है कि संबित पात्रा इस वक्त सबसे हाई प्रोफाइल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका इतिहास रहा है बेहतरीन स्पीकर्स का, बेहतरीन स्पोक्सपर्सन का। इन चेहरों पर गौर कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये तमाम बेहतरीन वक्ता हुआ करते थे। और जहां तक स्पोक्सपर्सन्स की बात है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, ये लोग पत्रकारों के सवाल जबरदस्त तरीके से दिया करते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महासचिव होते थे 90 के दशक में, गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाने से पहले, वो पार्टी के प्रवक्ता थे। मैंने कभी इनको किसी लक्ष्मण रेखा को पार करते नहीं देखा या किसी स्तर के नीचे गिरता नहीं देखा। यह बात अलग है कि सत्ता में आने के बाद एक अहंकार आ जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये बीमारी है, वो बात अलग है। मगर क्या आप संबित पात्रा की तुलना सुषमा स्वराज या अरुण जेटली से कर सकते हैं?
और मैं सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूंगा, आप खुद को देख चुके हैं बतौर प्रवक्ता, अब जब आप संबित पात्रा को देखते हैं न्यूज डिबेट्स में, वो तमाम बातें करते हुए, वो तमाम वाहियात बातें करते हुए, प्रधानमंत्री क्या आप भारतीय जनता पार्टी की विरासत पे शर्मिंदा नहीं होते? बताइए। मैं जानता हूं कि आप मेरे इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं जानता हूं कि आपके समर्थक मेरे प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखते हैं, मगर आज जो मैं आपके सामने बता रहा हूं ना, देखिए, एक या दो डिबेट्स में अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना या जनता में वाहवाही लूट करना, लूटना एक अलग बात है, क्योंकि जब आप राष्ट्रवाद बनाम पाकिस्तान कर देंगे तो जाहिर सी बात है जनता राष्ट्रवाद के साथ होगी। हालांकि आपका राष्ट्रवाद बहुत सुविधावादी है, आप बेवजह अपने ही देश के लोगों को पाकिस्तानी बताते हैं, मगर आप जो समाज के अंदर एक खोखलापन पैदा कर रहे हैं, देश की जनता को दिमाग से कुंद बना रहे हैं, आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां, याद रखिएगा संबित जी, आपको माफ नहीं करने वाले, आपको कभी माफ नहीं करने वाले हैं कि आपने वर्तमान पीढ़ी के साथ, आने वाले वक्त के साथ, भारत की साख के साथ कितना बड़ा मजाक किया है। मेरी इस बात को याद रखिएगा संबित। नमस्कार।